एक खिताब नौजवान बहनों से करना चाहता हूं, नौजवान बहनों से। मेरी बहनों, जो तुम रास्ते पर, गलत रास्ते पर चल पड़ी हो, यह रास्ता अच्छा रास्ता नहीं है। तुम ये समझती हो कि अगर तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिल गया, कोई दो अच्छी बातें करने वाला मिल गया, तो तुम अगर ये समझती हो कि वो तुम्हारे हक में खैर खा है, तो तुम गलत रास्ते पर जा रही हो। ये तुम्हारा सही रास्ता नहीं है। इस्लाम ने इजाजत नहीं दी कि गैर महरमों के साथ चैटिंग की जाए, गैर महरमों को अपनी फोटो भेजी जाए, गैर महरमों के साथ फोन पर बात की जाए। ये इस्लाम में जायज नहीं है। मेरी बहनों, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर ये गुजारिश करता हूँ। मेरी बहनों, अम्मा आयशा की सीरत को जरा सामने रखो। ये अम्मा आयशा वो आयशा है जिन्होंने अपनी जवानी को इस्लाम की खिदमत में गुजारा। ये वो अम्मा आयशा है जो फजर की नमाज पढ़ती, अपने हुजरे में बैठती, सहाबा हुजरे के बाहर आते, फजर से लेके जोहर तक उम्मत के लोगों को शरीयत की तालीम देती। उम्र क्या है अम्मा आयशा की? 18 साल की उम्र है। 18 साल की नौजवान है अम्मा आयशा, लेकिन दीन का इल्म इतना कि मदीने में किसी सहाबी को कोई गलत फहमी, कोई नुक्ता, कोई इल्म हासिल करना होता, अम्मा आयशा के हुजरे में जाती। आज 18 साल की हमारी नौजवान बहने क्या क्या मशगलों में है, जरा आप देख लो तो सही, जरा जान लो तो सही, क्या आशिकी के चक्करों में पड़ी है, क्या मोहब्बत के चक्करों में पड़ी है, क्या लव अफेयर्स के मसले में पड़ी है। अम्मा आयशा 18 साल की उम्र में ऐसी थी, बड़े बड़े सहाबा को दीन का इल्म सिखाया करती थी। हमारी उम्मत की नौजवान बहनों को क्या हो गया? क्यों इनमें से अम्मा आयशा नहीं बन पाती? क्यों इनमें से हजरत फातिमा नहीं बन पाती? क्यों इनमें से हजरत हफ्सा नहीं बन पाती? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस तरफ तवज्जो देना है। नौजवान नस्ल को राह रास्त पर लाना है। उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी है, हर फर्द की जिम्मेदारी है।